हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूजफुल वीडियो, जिसमें आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से केक एंड स्कर्ट बनाना बताऊंगी। मैंने इसे इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि ये बहुत ही लाइट वेट है और इसका शेप भी बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरीके से एकदम परफेक्ट शेप है इसका। और ये बिल्कुल नीचे से एकदम से इस फ्लेयर वाला बना हुआ है और मैंने नीचे में केक एंड जो पट्टी आती है उसका यूज किया हुआ है, तो इससे इसका शेप कभी भी खराब नहीं होगा, आप कितना भी इसे यूज कर लेंगे। और इसे आपको पैक करना भी बहुत इजी होगा, आप इस तरीके से इसे पैक करके कहीं भी ले जा सकते हैं और इसका शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। देखिए, पैक करने के बाद में आप इसे जब ओपन करेंगे तो इसका शेप बिल्कुल ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसका वेस्ट को मैंने बिल्कुल प्लेन यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें इलास्टिक लगाया है। जो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इसे करने स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बनाने वाली हूँ, तो मैंने 2 मीटर केन केन लिया हुआ है। अगर आप किसी बड़े के लिए बनाना है तो यहाँ पे 3 मीटर केन केन की जरूरत पड़ेगी। और लाइनिंग की जगह पे आप कोई भी लाइट वेट फैब्रिक ले सकते हैं, कोई दुपट्टा, पुरानी साड़ी, कुछ भी इसकी जगह पे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक हमने इलास्टिक लिया हुआ है वेस्ट में लगाने के लिए और इस तरीके की केन केन लेस ली हुई है, जिससे कि ये नीचे से और वॉल्यूम वाला स्कर्ट बनेगा है। तो यहाँ पे केन केन को मैंने डबल फोल्ड में करके रख लिया है। ये 2 मीटर केन केन है और इसे मैंने फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लिया है। ये उसकी खुली वाली साइड है, तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो हमारे जो हिप का राउंड मेजरमेंट है वो है 13 इंच, तो उसका हाफ होगा 15 में हम 5 इंच प्लस करेंगे तो वो 20 इंच आएगा। तो 20 इंच पे यहाँ पे हमें मार्क लगाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे सेट करेंगे और ऊपर से यहाँ से जो लेंथ है यहाँ पे 20 इंच लेंथ लेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे से हमें पूरा कपड़ा लेना है। और दूसरी साइड से यहाँ पे हम 11 इंच पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि नीचे से हमें पट्टी भी निकालनी है। तो इस तरीके से इसे शेप दे देंगे। हमारे जो केन केन की स्कर्ट की फुल लेंथ है वो है 31 इंच, तो ऊपर हमें एक पार्ट अटैच करना है इसमें 11 इंच का। तो 13 में से 11 माइनस करेंगे तो वो 20 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 20 इंच पे इस तरीके से पूरे में मार्क लगाते हुए इसे इस तरीके से नीचे से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे फिर इसे हम कट कर लेंगे, इसमें हमने सिलाई के लिए कोई मार्जिन नहीं रखी है। हमने 2 पैनल कट किए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। उसके बाद जो बचा हुआ केन केन है हम उसमें से स्ट्रिप्स कट करेंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो हम अपने बचे हुए केन केन के हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ पे 8 इंच चौड़ी पट्टी कट कर रही हूँ और इसे पूरी पट्टियों को हमें 8 इंच का ही मार्क करते हुए कट कर लेना है। आप 8 इंच से ज़्यादा भी चौड़ी पट्टी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी पट्टियों को कट कर लूँगी और इन्हें फिर उसके बाद में हमें एक दूसरे के साथ में अटैच कर लेना होगा। उसके बाद हम इसके लिए लाइनिंग कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग को इस तरीके से डबल में फोल्ड में करके यहाँ सेट कर लिया है। आप लाइनिंग के लिए कोई भी लाइट वेट कपड़ा ले सकते हैं, इसे बस हमें कवर करने के लिए लेना है। तो आप पुराना दुपट्टा, साड़ी, कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे सेट कर दूंगी और उसके बाद भी हमें नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है यहाँ पे इसे फोल्ड करने के लिए। तो 2 इंच पे इधर निशान लगा देंगे हम नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे 1 इंच पे इसे निशान लगा लिया है और नीचे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। उसके बाद जो स्ट्रिप्स हमने कट की थी उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। और जो इसके स्ट्रिप जो हमने कट किया है उसे हमें फैब्रिक से इस तरीके से कवर करना है। तो इससे चौड़ी पट्टी हमने कट की है, जो हमने स्ट्रिप 8 इंच की कट की है, तो जो कपड़े की पट्टी है वो 10 इंच की कट की है। और उसे इस तरीके से कवर करते हुए पूरे स्ट्रिप्स को इस तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे केन केन की लेस अटैच करेंगे। तो ये केन केन की लेस हमें यहाँ पे पूरे में पट्टी में नीचे की तरफ अटैच करनी है। तो इसमें हम पूरे अटैच कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए, पूरे में स्टिच लगा लेंगे। इससे वॉल्यूम बहुत ही बढ़ जाता है नीचे से और ये केन केन की लेस जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने केन केन की लेस अटैच कर ली है नीचे की तरफ। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स डालते हुए हम पट्टी में स्टिच लगा लेंगे।
तो यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे, उतने प्लेट्स डालेंगे जितने कि हमारे स्कर्ट में पूरी गोलाई में ये लग जाए। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर केन केन को सेट कर लिया है, तो इससे सेंटर में इस तरीके से हम यहाँ पे ओवरलैप करते हुए यहाँ पे सेट करके इस यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर से भी केन-केन को कवर करना है, तो उसके लिए आप कोई भी पुराना ड्रेस से इस तरीके से अनारकली ड्रेस स्कर्ट किसी से भी इस तरीके से कट करके कवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कवर करने से जो स्कर्ट में है वो अच्छा सा वॉल्यूम आएगा और पहनने में भी ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे जैसे मेन हमारा पर्पज़ है इसे दोनों तरफ से अच्छे से कवर करना, आप कोई भी क्लॉथ्स ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे सेंटर में मेरा यहाँ पे कवर नहीं हो पाया है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पीस लूँगी और यहाँ पे इसे सेट करके पिन लगा लूँगी यहाँ पे। उसके बाद पूरे स्कर्ट में हम पहले पिन लगा लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। और कवर करने के लिए जो भी फैब्रिक लें वो ध्यान रखें लाइट वेट का हो, ताकि स्कर्ट ज़्यादा हैवी ना हो। और नीचे से फोल्ड करके इस तरीके से पूरे में हम स्टिच लगा लेंगे और ऊपर में यहाँ पे भी इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे भी फोल्ड करके यहाँ भी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड स्टिच लगा लिया है मैंने। उसके बाद में इसे यहाँ से हमारे जो हिप का राउंड मेजरमेंट है उसका हाफ लेंगे, उसमें 2 इंच की लूजिंग देते हुए यहाँ हम मार्क लगा लेंगे। और दूसरी साइड में हमें इस तरीके से प्लेट्स देना है कि ये भी हमारा जैसे 16 इंच का हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट्स लगा लिए हैं, अब ये फ्रंट और बैक दोनों बराबर हो गए हैं और इसे इस तरीके से हम सेट करेंगे, तो ये फ्रंट में आएगा और ये बैक में आएगा। इसके बाद हम जो स्कर्ट है उसका अपर पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर का पोर्शन की चौड़ाई रखी है उसी हिसाब से हम फैब्रिक को कट करके रखेंगे इसकी चौड़ाई भी। और ऊपर से हम इलास्टिक डालने के लिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में हम इसकी लेंथ रखेंगे 11 इंच और उसमें सिलाई का मार्जिन रख लेंगे क्योंकि हमने जो स्कर्ट है उसे 11 इंच कम कट किया था। यहाँ पे स्कर्ट पार्ट पे हम अपने स्ट्रिप को अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिप है 8 इंच की, तो यहाँ पे 8 इंच पे इस तरीके से पूरे स्कर्ट में मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे स्ट्रिप को इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे स्ट्रिप को अटैच कर लिया है स्कर्ट में, अब हम इसके अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक डालने के लिए जो फोल्ड किया था उसे स्टिच कर लिया है। यहाँ पे हम इलास्टिक लेंगे जो भी हमारा वेस्ट का राउंड मेजरमेंट है उसमें 3 इंच कम करके इलास्टिक लेंगे और उसे यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है और दोनों तरफ स्टिच लगा लिया है। अब अपने स्कर्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे और इसे इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूरे में हमने स्टिच लगा लिया है इस तरीके से, अभी हम इसके साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ हमने साइड में स्टिच लगा लिया है, इसे फैब्रिक से कवर भी कर लिया है ताकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो पहनने में। और इस तरीके से हमारा ये स्कर्ट बन के रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।